नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूँ करिश्मा सिंह। वेतन की बढ़ोतरी और अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे विभागों का कामकाज ठप हो गया है। हमारे पास नालंदा जिले और अरवल से कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें कार्यपालक सहायक अपनी मांगों को लेकर धरना करते हुए दिखे हैं। आगे क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। वेतन की बढ़ोतरी सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जिले के सभी कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे 22 विभागों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। नालंदा में करीब 700 कार्यपालक सहायक कार्यरत है, जो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके हड़ताल पर जाने से कई विभागों में कामकाज ठप हो गया है। कार्यपालक सहायक पहले बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में इकट्ठा हुए, जहां से विरोध मार्च निकाला गया, जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरा, जिसके बाद समाहरणालय पहुंचे कर्मियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। सेवा को अस्थायीकरण, वेतन में वृद्धि करने समेत अपने 7 सूत्री मांगों को पूरा करने के लेकर कार्यपालक सहायक हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं बिहार राज्य कार्यपालक सेवा संघ अररिया में भी बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है। सभी विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक आज से एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अपनी मांगों को लेकर आज निश्चितकालीन प्रदर्शन किया। कार्यपालक सहायक के हड़ताल पर होने के कारण जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंड एवं अनुमंडल, विशेषकर लोक एवं अनुमंडल सेवा का अधिकार, पंचायत कार्यालय सहित अन्य विभागों के कार्य पूर्ण रूप से बंद रहा। जिला अध्यक्ष मनीष ठाकुर द्वारा कहा गया कि जब तक हमारी 7 सूत्री मांग सरकार नहीं मानती है, तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगा। आगे उन्होंने बताया कि 10 वर्षों से अधिक समय में से कार्य कर रहे कार्यपालक सहायकों को सरकार द्वारा बेलेट्रॉन को बेचने की साजिश की जा रही है। हमें नियमितीकरण न करके संविदा कर्मी से आउटसोर्सिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। 5 साल तक उच्च स्तरीय अशोक चौधरी कमेटी के प्रस्तावित प्रधानों को अनदेखा कर निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसाओं को 100% लागू नहीं किया जाता और हमारी मांगे नहीं मान जाया जाता, तब तक हड़ताल अनवरत जारी रहेगा। मीडिया प्रभारी आदित्य प्रदर्शी ने बताया कि सरकार द्वारा नव नियुक्त कार्यपालक सहायकों को जिला पदाधिकारी द्वारा लिए गए दक्षता परीक्षा के पश्चात नियुक्ति होने के बावजूद उन्हें बेलेट्रॉन के द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में पुनः देने की मजबूर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कार्यपालक सहायकों को हटाकर उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग कर्मी को लगाए तथा हटाए गए कार्यपालक सहायकों को बेलेट्रॉन द्वारा बनाए गए आउटसोर्सिंग पैनल के अंत में रखे जाने का सरकार आदेश, हम सभी कार्यपालक सहायक पूर्ण विरोध करते हैं। वेतन वृद्धि और अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है, तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।